क्या आप इस आदमी के जैसे आसमान में कपड़े इस्त्री करना चाहोगे? और एक ऐसा गांव जहां रहने वाले सभी लोग अंधे हो चुके हैं, कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा स्कूटर जो हवा में उड़ सकता है, और एक ऐसा केकड़ा जिसकी लंबाई है आम इंसान से 3 गुना ज्यादा। देखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, स्काई सर्फिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो स्काई डाइविंग को बिल्कुल भी एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाता है। स्काई सर्फिंग को काफी खतरनाक माना जाता है और इसमें महारत हासिल करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब कोई शख्स इसमें महारत हासिल कर लेता है तो फिर इसके लिए स्काई सर्फिंग भी चुटकी का खेल बन जाता है। और फिर चुटकी के इस खेल में वो शख्स हवा में रहते हुए ही कपड़ों पर आयरन भी करवा लेता है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो फिर इस वीडियो को देख लीजिए। स्काई सर्फर माइक फ्रोस्ट ने हेलीकॉप्टर से जंप लगाई और फिर वो हवा में खुद को स्टेबल करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद स्काई डाइवर एंडी फोर्ड आयरन लेकर उसके पास आई और माइक के स्काई सर्फ बोर्ड पर मौजूद कपड़े पर आयरन करने लगी। हवा में खुद को इस तरह से स्टेबल करके आयरन कर लेना बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। जस्ट इमेजिन, अगर ये आयरन किसी के सिर पर गिर जाता तो शायद वो शख्स आयरन मैन बन जाता। नंबर 8, जैपनीज स्पाइडर क्रैब एक ऐसा केकड़ा है जिसकी लंबाई इंसानों की लंबाई से 3 गुना ज्यादा होती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये मुख्य रूप से जापान में ही पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा होने के साथ ही ये जीव दुनिया का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड भी है। जैपनीज स्पाइडर क्रैब का वजन 18 किलोग्राम तक होता है। इस केकड़े के एक पंजे से दूसरे पंजे के बीच की लंबाई 18 फीट तक होती है, जो कि एक इंसान की लंबाई से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि आकार के हिसाब से उनके पैरों की ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती है और ये आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोल्टिंग के दौरान इनके पैर वापस से विकसित हो जाते हैं। नंबर 7, फ्लाइंग कार भले ही अब तक एक सपना ही है, लेकिन लगता है कि अब फ्लाइंग स्कूटर का सपना पूरा होने वाला है। चीन के एक इन्वेंटर झाओ डेली ने अपने घर पर ही उड़ने वाला स्कूटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा, लेकिन उड़ने वाला स्कूटर बनाने के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो फ्लाइंग स्कूटर बनाने में कामयाब रहे। इस फ्लाइंग स्कूटर में 8 प्रोपेलर्स लगाए गए हैं, वहीं इसका मोटर सीट के नीचे लगाया गया है। ये फ्लाइंग स्कूटर 80 मिनट तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि झाओ डेली ने स्कूटर पर उड़ान भरने से पहले इसका 1569 बार फ्लाइंग टेस्ट किया था। नंबर 6, मेक्सिको में एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ रहने वाले सभी जीवित प्राणी अंधे है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर परिंदा। इस गांव का नाम टिल्टेपैक है, लेकिन दुनिया इसे विलेज ऑफ ब्लाइंड के नाम से जानती है। इस गांव के लोगों का कहना है कि यहां के लोगों का जन्म तो नॉर्मल आंखों के साथ ही होता है, लेकिन फिर अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। गांव के लोगों का मानना है कि उनके अंधे होने की वजह लापजुएला नाम का एक श्रापित वृक्ष है। जिस किसी की नजर इस वृक्ष पर पड़ती है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। श्रापित होने की वजह से कोई भी शख्स उस पेड़ को काटता भी नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गांव में मक्खियों की कुछ जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके काटने की वजह से इंसान और पशु पक्षी अंधे हो जाते हैं। अगर वैज्ञानिकों की बात सही है तो सरकार को जरूरी कदम उठाकर जहरीली मक्खी को खत्म करना चाहिए। नंबर 5, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना किसी भी जीव का विकास संभव नहीं है, तो फिर अंडों के अंदर विकसित होने वाले चूजों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर से कम्प्लीटली ऑल राइट दिखने वाले अंडों में दरअसल हजारों एयर होल्स या एयर सेल्स मौजूद होते हैं। मुर्गी के अंडों में इन छिद्रों की संख्या 7000 तक होती है। इन अंडों के खोल के अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं। एयर सेल्स के रास्ते हवा मेम्ब्रेन तक जाते हैं। मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन अंडे के चौड़े वाले भाग में स्थित एक थैली में जाता है। इस थैली से अंडे के अंदर पल रहे चूजों को ऑक्सीजन मिलता है। अंडे में जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर जाता है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जैसे जैसे अंडे के अंदर पल रहे चूजे का आकार बढ़ता है, ऑक्सीजन की थैली का आकार भी बढ़ता जाता है। नंबर 4, आप जो ये गोल्डन रंग के कपड़े को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई मामूली कपड़ा नहीं, बल्कि स्पाइडर सिल्क से बना दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा है। इस कपड़े के निर्माण में 10 लाख से ज्यादा मकड़ियों की जरूरत पड़ी थी और इन मकड़ियों को जमा करने में 70 लोगों को 4 साल लग गए थे। मकड़ियों को जमा करने के बाद दर्जनों वर्कर्स की मदद से प्रत्येक मकड़ी के पास से 80 फीट लंबी सिल्क फिलामेंट निकाली गई। सिल्क फिलामेंट निकालने के बाद गोल्डन स्पाइडर सिल्क से दुनिया के सबसे बड़े कपड़े के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।
हुई। इस स्पाइडर सिल्क से बनने वाले कपड़े की लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 4 फीट है। ये कपड़ा नेचुरल स्पाइडर सिल्क से बना दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा है। निर्माण के बाद इसे न्यूयॉर्क के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में डिस्प्ले पर रखा गया था। नंबर 3, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बात तो हमने स्कूल में सीख ली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे के अलावा भी एक जीव ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस करता है। इस जीव का नाम लीफ शिप है, जो कि एक सी स्लग है। लीफ शिप एकमात्र मल्टी सेल्यूलर एनिमल है जो कि फोटोसिंथेसिस करके लाइट को एनर्जी में बदलता है। आमतौर पर ये जीव ग्रीन एल्गी खाते हैं। पेड़ के पत्ते की तरह दिखने वाले इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और ये जीव लाइट को एनर्जी में बदल देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लीफ शिप सिर्फ फोटोसिंथेसिस से मिलने वाले एनर्जी से ही महीनों तक जीवित रह सकता है। नंबर 2, अगर किसी इलाके में लंबे समय तक सूखा पड़े तो फिर इंसान तो किसी तरह से मैनेज कर ही लेता है, लेकिन बेचारे पशु पक्षी प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जानवरों के इस तड़प को देखते हुए केन्या के पैट्रिक किलोंजो ने 2016 के भयंकर सूखे के दौरान जंगल में पानी पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने किराए पर एक टैंकर लिया और हफ्ते में 4 दिन टैंकर में पानी भरकर 50 किलोमीटर ड्राइव करके जंगल में जाकर जानवरों को पानी मिलाने लगे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, यहाँ तक कि जंगली जानवर पानी के इंतजार में पैट्रिक के आने से पहले ही उस जगह पर पहुँचने लगे। देखते ही देखते पैट्रिक के इस नए काम की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और आज पैट्रिक एक संगठन चलाकर जानवरों के लिए पानी की कमी को दूर कर रहे हैं। आज वो अफ्रीकन वाटरमैन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। पैट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, दुनिया भर के ज्यादातर होटल में ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। बस वहाँ मन चाहे किताब की कमी होती है, जिस कारण बुक लवर्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उन लोगों की ये शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि जापान की राजधानी टोक्यो में लाइब्रेरी थीम्ड होटल खुला है। इस होटल का निर्माण खासकर बुक लवर्स के लिए ही किया गया है और इन लोगों के लिए जगह किसी जनरल से कम नहीं। इस होटल में बेड से सटे ही बुक शेल्फ्स मौजूद है, जिसमें जैपनीज और इंग्लिश लैंग्वेज की लगभग 3000 किताबें मौजूद हैं। यहाँ हर फील्ड की किताबें मौजूद हैं। इस होटल के एक रात का किराया $32 से $50 के बीच है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।